वेलकम बैक। अभी मैंने पिछला एक वीडियो डाला आपके लिए जिसमें मैक्सिमम हाइट का जिक्र हुआ था। मैक्सिमम हाइट नहीं, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ज्यादा हाइट से वो पार्टिकल जाए, तो उसके बाद एक डाउट आया कि मैक्सिमम रेंज पे भी कुछ बताएं। बता तो मैंने सब कुछ रखा है मैक्सिमम रेंज पे, लेकिन एक बच्चे ने भेजा सर एक बार मैक्सिमम रेंज वाला क्लियर कर दो, जस्ट फॉर्मूले फॉर्मूले क्लियर कर दो। तो मैंने आपका वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोर्ड पे चार फॉर्मूले, चार एक्सप्रेशन जो आपको करवा रखे हैं पहले, वो जस्ट एक बार लिखे हैं ताकि आप ये चीजें अप्लाई कर पाए। देखो सबसे पहली चीज, केवल और केवल वेरियस फॉर्मूले फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कब कब आएगी, कितनी आएगी, कब कब आएगी, क्या कितनी आएगी, उसके ये चारों मैंने आपको करवा रखे हैं, जस्ट मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं बस। सबसे पहली चीज, अगर ग्राउंड पे आप एंगुलर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, केवल ग्राउंड पे एंगुलर प्रोजेक्शन, और आपको चाहिए मैक्सिमम रेंज, तो वो तो हमें पता है थीटा 45 पे फेंकना होता है, लेकिन उसको छोड़ो, वो भी बच्चों को याद होगी, लेकिन कितनी मैक्सिमम रेंज में उसके फॉर्मूला याद करवा रहा हूं। इस केस में मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला था आर मैक्स वाज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। आर मैक्सिमम जो था दैट वाज यू स्क्वायर बाई जी, इतना था, ठीक है। सेकंड केस, जब आपने लिया प्रोजेक्शन अप द प्लेन, प्रोजेक्शन अप द प्लेन, इसमें वैसे तो आपका एक बड़ा फॉर्मूला था, थीटा भी हमें पता है कि इसको बाइसेक्ट करके फेंकना है प्लेन को और वर्टिकल को, छोड़ो उस चीज को। आर मैक्स, प्रोजेक्शन अप द प्लेन एंड प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन, दोनों में आर मैक्स कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द प्लेन थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द प्लेन थीटा है, आर मैक्स दोनों में इसी तरह का होता है, यू स्क्वायर बाई जी और नीचे एक फैक्टर आएगा, यू स्क्वायर बाई जी और नीचे एक फैक्टर आएगा। इवन मैं अगर वो लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने लिखा उसमें भी नीचे एक फैक्टर आएगा, हमने तो पढ़ा इस तरह से पढ़ा था। मतलब रेंज मैक्सिमम के फॉर्मूले में एक ही चीज है यू स्क्वायर बाई जी, उसके बाद बस एक फैक्टर आना है और कुछ नहीं। अगर प्रोजेक्शन अप द प्लेन करते हैं तो बहुत ज्यादा रेंज नहीं हो पाती है, तो नीचे एक छोटा सा फैक्टर आता है 1 प्लस साइन थीटा नॉट। अगर प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन करते हैं तो भी बहुत ज्यादा रेंज नहीं हो पाती ना, सॉरी तो रेंज बढ़ जाती है, यहाँ पे प्लस आता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो रेंज छोटी होगी, यहाँ माइनस आएगा डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो रेंज बड़ी होगी। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और वो हाइट वाला भी आपको करवाया था एक दिन कि अगर किसी हाइट से मैक्सिमम रेंज आपको चाहिए, यू स्पीड से आपने फेंका थीटा एंगल पे, तो थीटा इस तरह एडजस्ट होता है, वो हमने डिफरेंशिएशन से निकाला था, आपको याद हो पीछे 3-4 दिन पहले या जो भी वीडियो था उसमें देख सकते हैं। लेकिन जो आर मैक्स आया उसका फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाई जी और नीचे एक फैक्टर आ गया, और वो फैक्टर आपका क्या है, 10 थीटा। ये आप कितने एंगल पे फेंक रहे हैं वो भी डिफरेंशिएशन से निकला था, एंड देन वहां से आर का फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर बाई जी 10 थीटा। शायद आपको ध्यान हो इस तरह के फॉर्मूले निकाल रखे हैं। जस्ट सवाल इन पे भी आ जाते हैं और उस पे भी आ जाते हैं, चारों पे मैं अगर एक एक क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा। पहला सवाल, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा सकता है, बताओ ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर फेंका जाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा सकता है, तो बताओ ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर फेंका जा सकता है। तो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया तो यू स्क्वायर बाई जी 100/10, यानी कि आर मैक्स आपका निकल के आया इसमें 10 मीटर। जी को 10 मान लिया करो अगर कुछ नहीं दिया। अगला सवाल यही कि उसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा सकता है और जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया 30 डिग्री, और बस इतना पूछा रेंज ऑन द प्लेन मैक्सिमम कितनी हो पाएगी, तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया कितनी हो पाएगी, यू का स्क्वायर 100/g 10, 1 प्लस साइन 30 इज 1/2, यानी कि दिस इज 3/2, 2 ऊपर गया, ये आ रहा है 20/3 मीटर। मतलब अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप आंसर ला सकते हैं, इस तरह का काम हो रहा है। थर्ड, प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन, एक आर मैक्स आपको निकालना है, यू वही 10 दे रखा है, सेम एंगल 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, आर मैक्स फिर से निकाला तो इस बार बनेगा 100/10, ये तो है ही, मतलब 10 × 1 − 1/2 = 1/2, पिछली बार था 1 + 1/2 तो 3/2 था, इस बार 1/2 है, तो यानी कि इस बार जो आर मैक्स निकलेगा वो नीचे वाला 3 हट जाएगा और आर मैक्स आ रहा है 20 मीटर। तो देखो कितनी ज्यादा आ गई इससे, यहां तो केवल 20/3 है क्योंकि
नीचे से ऊपर थ्रो करोगे ग्रेविटी अपोज कर रही है, ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हो तो ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, इसलिए रेंज ज्यादा होगी। और जो आखिरी था हाइट से अगर आप प्रोजेक्ट करते हो फिर आप मैक्सिमम रेंज चाहते हो, तो आर मैक्स का फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाय जी इनटू टेन थीटा। उसमें थीटा भी आपको पहले डिसाइड करना होगा कि कितने एंगल पे फेंके रेंज मैक्सिमम, वो कैसे डिसाइड होता है, वो हमने डिफरेंशिएशन से करवाया था आपको पीछे, और फिर उसमें ये वैल्यूज पुट हो जाएंगी तो वहां पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आप इस पर भी कोई न्यूमेरिकल देना चाहें तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं सेम इसी तरह का क्वेश्चन ना, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें ये फॉर्मूले अपने याद रखना चाहिए, और जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाया है ताकि आप ये फॉर्मूले अपने रिवाइज करके जा सकें। थैंक यू।